शहनवाज जी ने तो बुलाया, लेकिन आपका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय रहा कि मैंने पार्टी के प्रभारी के नाते आज लगातार 6 वर्षों से बिहार को के साथ लगातार काम किया। और मेरा पूरा देश में घूमने के बाद मुझे लगता है कि अगर कहीं जीवंतता है, ऊर्जा है, मेधा है, तो वो प्रदेश बिहार है। अगर कहीं लोगों में आज भी सामाजिकता की भावना एक दूसरे के सुख दुख और मेल जोल में है और किसको कैसे अपनाया जाता है ये कोई सीखे तो बिहार से सीखे। तो बिहार के लोग सबको भी अपनाते हैं और सब उनको भी अपना लेते हैं। आज बिहार दिवस है और NDA की सरकार में माननीय नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व रहा है उसमें बिहार को काफ़ी विश्व में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। और हम लोगों का ये सौभाग्य भी है कि बिहार की सरकार और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम लोगों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के कारण, जैसा भी शहनवाज जी बता रहे थे, चाहे मेगा फूड का विषय हो, चाहे टेक्सटाइल का पेंडिंग पार्क का विषय हो, चाहे एथेनॉल ब्लाइंडिंग का विषय हो, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संजय जायसवाल जी बैठे हैं, लोग मुझसे कहते हैं आप पर्यावरण मंत्री हैं। मैंने कहा आप लोग तो रणथंभौर और सिरिस्का जाते हो, मेरे प्रदेश से राजस्थान से आता है, लेकिन जिन 14 टाइगर रिजर्व्स को 52 में इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है वो हमारा वाल्मीकि नगर का बिहार का है। तो इतना सुंदर है, अभी वहाँ पे शहनवाज जी और उद्योग मंत्री जरा ले जाएंगे तो वाल्मीकि नगर से सुंदर जंगल कहीं पर है ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, इतना सुंदर बिहार में पानी से लेकर के और इतना प्रकृति के साथ एक विशेष लगाव है, सांस्कृतिक विरासत है। बिहार बुद्ध की विधरती है, बिहार सभी सांस्कृतिक विषयों की धरती है। तो बिहार की धरती को नमन, बिहार के सब लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे सभी लोग मिल